हेलो गाइस, वेलकम टू द माय चैनल द डॉक्टर्स लेक्चर। और आज हम बात करेंगे मेनिंजियस फोल्ड ऑफ द ड्यूरामेटर की। जो हमने लास्ट वीडियो थी, हमने उसके अंदर हमने देखा था कि जो ड्यूरामेटर होती है, ड्यूरामेटर के अंदर क्या क्या फोल्ड्स होते हैं और वो फोल्ड्स किस किस जगह पर होते हैं। तो इन फोल्ड्स से पहले जो हमने लास्ट वीडियो देखी थी, वो देखा था हमने कि ड्यूरामेटर के अंदर कौन कौन से होते हैं। ड्यूरामेटर के अंदर दो लेयर्स होती हैं, एक तो होती है एंडोस्टीरियर लेयर और एक होती है इनर मेनिंजियल लेयर। मतलब एक वो लेयर होती है जो क्या होती है, क्रैनियल बोन से, ये जो क्रैनियल जो होती है कैविटी की जो बोन होती है उससे क्या होती है अटैच होती है, और एक वो होती है जो क्या होती है अर्कनॉइड मैटर से अटैच होती है या अर्कनॉइड मैटर की तरफ होती है या टुवर्ड द अर्कनॉइड मैटर। तो ये सारी सारी बात हमारी लास्ट वीडियो के अंदर हमने देख ली थी कि कौन कौन सी मेनिंजियल लेयर प्रेजेंट होती है सीएनएस के अंदर। अब हम बात करते हैं न्यूरल फोल्ड्स के, मेनिंजियल फोल्ड्स के बारे में। तो मेनिंजियल फोल्ड्स के बारे में देखने से पहले पहले हम एक बार रिकैप करते हैं ड्यूरामेटर को। तो ड्यूरामेटर के बारे में हमने बात कर ली थी, क्या होती है, टफ हार्ड कवरिंग होती है, टफ हार्ड लेयर होती है ड्यूरामेटर। और टफ हार्ड क्या होती है, क्योंकि सबसे आउटर मेनिंजियल मेनिंजिस होती है, तो क्या होती है फॉर सिक्योरिटी पर्पस ये क्या होती है टफ होती है। अब देखते हैं हम ड्यूरामेटर के बारे में। तो ये तो हो गई क्रेनियल बोन, ये हो गई क्रेनियल बोन। अब क्रेनियल बोन जो होती है, ये जो क्रेनियल कैविटी है, क्रेनियल कैविटी से इसके ठीक नीचे क्या है, ब्रेन है, और ब्रेन की ही वो कवरिंग है। ड्यूरामेटर क्या है, ब्रेन की ही कवरिंग है, एक तरह की मेनिंजियस या कवरिंग या मेम्ब्रेन है, अब वो भी कौन सी आउटर। तो होता क्या है, इस बोन के बीच, बोन के और ब्रेन के बीच में जो कवरिंग्स होती है उसमें सबसे लास्ट जो आउटर कवरिंग होती है ड्यूरामेटर। और ड्यूरामेटर भी किस तरीके होती है, दो होती हैं ड्यूरामेटर की जो लेयर्स होती हैं वो कैसी होती हैं, दो लेयर्स होती हैं, और जो एक लेयर जो होती है वो होती है अटैच होती है किससे, बोन से। एक लेयर होती है अटैच होती है बोन से। ये हो गई वो लेयर जो अटैच होती है बोन से। इसके अटैचमेंट को मैं कुछ इस तरीके से दिखा रहा हूं, ये होगा इसके अटैचमेंट कि ये बोन से अटैच होती है। ये वो लेयर है जो क्या है, बोन से अटैच है। इसको बोलता हूं मैं पेरी ऑस्टियल लेयर। ये क्या कहलाती है मेरी, पेरी ऑस्टियल लेयर। पेरी मतलब सराउंडिंग, ऑस्टियल मतलब बोन। तो जो बोन के सराउंडिंग जो लेयर होती है वो क्या कहलाती है मेरी, पेरी ऑस्टियल लेयर कहलाती है। जो मेरी क्या हो गई, पेरी ऑस्टियल लेयर। जो दूसरी लेयर होती है, जो दूसरी लेयर होती है वो मेरी कहलाती है मेनिंजियल लेयर। क्या कहलाती है मेरी, मेनिंजियल लेयर। ये हो गई मेरी मेनिंजियल लेयर। अब इस मेनिंजियल लेयर के अंदर क्या होता है, ये मेनिंजियल लेयर होगी किसकी, एक हेमिस्फीयर की। ये मेनिंजियल लेयर होगी किसकी, दूसरे हेमिस्फीयर की। ये दो मेनिंजियल लेयर जो आपको शो हो रही है, इसका जो रीजन ये है कि ये जो मेनिंजियल लेयर होती है वो एक हेमिस्फीयर की होती है। जैसे मैं कि आपको डायग्राम के अगर मैं दिखाना चाहूं तो कुछ इस तरीके से है कि ये है, ये अगर ब्रेन, इसको मैं अगर ब्रेन कंसीडर कर लूं तो ब्रेन के अंदर क्या होगा, इस ब्रेन की ही कवरिंग है वो। और इस ब्रेन की जब वो कवरिंग है, मैं किस तरीके से देख रहा हूँ, मैं इस तरीके से देख रहा हूँ, इस तरीके से मैं देख रहा हूँ। तो इसकी जो कवरिंग्स होती हैं, एक तो कवरिंग हो गई इसके ऊपर जो बोन है, इसके ऊपर एक जो बोन है वो कवरिंग हो गई ड्यूरामेटर की, एक वो कवरिंग जिसको मैं बोलता हूँ पेरी ऑस्टियल लेयर। लेकिन जो दूसरी कवरिंग होती है वो किससे, ब्रेन से ही अटैच होती है। तो वो क्या होगी, वो यहाँ पर जाकर यहाँ सेपरेट होगी, यहाँ से दूसरी आएगी वहाँ दूसरी सेपरेट होगी, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है एक ग्रूव है या एक सल्कस है, तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ मुझे इसीलिए अलग अलग दिखती है। और होता क्या है, ये ऊपर से कट सेक्शन है, कुछ सेक्शन इस तरीके से लिया गया है इसका, इस तरीके से इसको मैं टू पार्ट में डिवाइड कर दूं, इसको टू पार्ट डिवाइड करने के बाद ये सेक्शन मेरा लिया गया, ये सेक्शन। और सेक्शन जब मैं यहां लेता हूं तो मेरा इस पोर्शन पर एग्जैक्ट इसी पोजीशन पर क्या पाया जाता है, एक मेरे पास बीनस साइनस पाया जाता है, बीनस ड्यूरल साइनस। बीनस मतलब क्या होता है, यहां पर बेंस का क्या होती है, साइनस होते हैं, लेकिन कहां होता है, ड्यूरल, ड्यूरल मैटर के अंदर होता है, ड्यूरल मैटर, ड्यूरल मेनिंजियस पीस के बीच में होता है। तो इसलिए बोलता हूं मैं बीनस ड्यूरल साइनस। तो यहां पर क्या पाया जाता है, बीनस ड्यूरल
साइनस, ये क्या हो गया मेरे पास, वीनस ड्यूरल साइनस। और जो स्पेस होता है, और जो स्पेस होता है दो मेनिंजेस के बीच में, ड्यूरामेटर की दो मेनिंजेस के बीच में, इस स्पेस को बोलते हैं, इस स्पेस को क्या बोलता हूँ, इसको बोलता हूँ मैं एपी ड्यूरल स्पेस, एपी ड्यूरल स्पेस। अब ये एपिड्यूरल स्पेस क्या होता है, अब इस एपिड्यूरल स्पेस की अगर बात करते हैं तो ये एपिड्यूरल स्पेस जो होता है वो जब कैरेनियल क्या, जब मैंने यहां तो अभी दिखाया है, यहां तो एक तरीके से बताने के लिए दिखाया है, लेकिन हकीकत में यहां पर क्या होता है, क्रेनियल पार्ट में, जिसको मैं बोलता हूँ क्रेनियल एंड्स पर, ये क्या होता है, यहां पर कोई स्पेस नहीं होता है। लेकिन जब ये मेनिंजेस कहाँ जाती है, स्पाइनल कॉर्ड के पास, अभी तो क्या है, अभी तो ड्यूरामेटर यहां पर भी है, ड्यूरामेटर जब यहां पर होती है, मतलब एक तरीके से क्रेनियल पार्ट में होती है, तब यहां पर कोई स्पेस एक्चुअल में नहीं पाया जाता है। लेकिन जब यह ड्यूरामेटर स्पाइनल कॉर्ड के अंदर आती है तो इस स्पाइनल कॉर्ड के अंदर यहां पर एक रियल स्पेस पाया जाता है। लेकिन अगर मैं बात करूं ब्रेन एंड पर या क्रेनियल एंड पर, तो यहां पर कोई एक्चुअल स्पेस नहीं पाया जाता। तो एपिडर्मल स्पेस के लिए मुझे लिखना होगा, यहां पर एक तो होता है मेरे पास क्रेनियल एंड, और एक कौन सा होता है मेरे पास, स्पाइनल एंड या वर्टिब्रल एंड, वर्टिब्रल एंड। तो जो क्रेनियल एंड होता है, क्रेनियल एंड पे यहां पर क्या होता है, कोई रियल स्पेस नहीं होता है, इसको बोलता है नो एक्चुअल स्पेस, या मैं इसको बोलता हूं पोटेंशियल स्पेस, नो एक्चुअल स्पेस। लेकिन यहां पर क्या होता है, रियल स्पेस होता है, रियल स्पेस होता है, इसको मैं क्या बोल सकता हूँ, पोटेंशियल स्पेस, पोटेंशियल स्पेस। तो ये तो बात हुई मेरी अभी तक स्पेस के बीच में, जो स्पेस के बीच में पाया जाता है। लेकिन अब जो मेन इसके अंदर जो बात करिए, जो फोल्ड्स ऑफ ड्यूरामेटर की, तो अब मैं बात करता हूँ फोल्ड्स ऑफ ड्यूरामेटर की। तो ड्यूरामेटर के फोल्ड्स के अंदर कितना होता है, जो मेनली होते हैं वो होते हैं चार तरीके के। जो पहला होता है वो होता है फॉल्स सेरेब्राई, कौन सा होता है, फॉल्स सेरेब्राई। जो सेकंड मेरे पास होता है वो होता है टेंटोरियम सेरेबेलाई, टेंटोरियम सेरेबेलाई। जो थर्ड मेरे पास होता है वो होता है डायफ्रेग्मा सेलाई, डायफ्रेग्मा सेलाई। और एक जो चौथा देते हैं वो देते हैं फाल्स सेलाई के बारे में, तो उसको भी हम कंसीडर कर लेते हैं, फाल्स सेरेब्रम। तो ये चार तरीके के फोल्ड जो होते हैं वो मेनली पाए जाते हैं, जो फोल्ड्स होते हैं मेनिंजेस ऑफ ड्यूरामेटर के। तो अब हम देखते हैं कि आखिर ये कहाँ कहाँ होते हैं, किस तरीके से होते हैं। तो सबसे पहला जो अगर मैं बात करता हूँ, पहले बात करता हूँ टेंटोरियम सेरेब्राई की। तो टेंटोरियम सेरेब्राई से बात करने से पहले मैं आपको डायग्राम के थ्रू दिखाना चाहता हूँ कि ये तो हो गया मेरा ब्रेन का पार्ट, ये मेरा ब्रेन, अगर मैं इसको कंसीडर करता हूँ तो ब्रेन कंसीडर करने के बाद ये हो गया मेरा एंटीरियर पोर्शन ऑफ ब्रेन, एंटीरियर पोर्शन, और ये जो हो गया मेरा पोस्टीरियर पोर्शन। तो पोस्टीरियर पोर्शन पे होता क्या है, ये है सेरिब्रल हेमिस्फेयर। सेरिब्रल हेमिस्फेयर क्या करते हैं, अगर मैं, ये सेरिब्रल हेमिस्फेयर हो गए, और ये जो पार्ट जो डाउनवर्ड जो मूवमेंट कर रहा है, ये बनाएगा किसको, ब्रेन स्टेम को, ब्रेन स्टेम मतलब मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन को, उसके बाद में यही फॉर्मेशन करेगा किसका, स्पाइनल कॉर्ड का। तो ये जो फार्स जो टेंटोरियम सेरेब्राई होते हैं, ये टेंटोरियम सेरेब्राई करते क्या है, इस सेरेब्रल हेमिस्फेयर को, जो लोअर का पार्ट है, जो लोअर का पार्ट है मिड ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, या मैं कह सकता हूँ जो नॉर्मली सेरेब्रल हेमिस्फेयर को मिड ब्रेन से क्या करता है, सेपरेट करता है, और कुछ नहीं करता है। मेन पर्पज का क्या है, सेपरेट करना, सेपरेट करना, ताकि यहाँ पर क्या हो, फंक्शनिंग में कोई प्रॉब्लम ना हो और इनके स्ट्रक्चर में कोई प्रॉब्लम ना हो। अगर ये सेरेब्राई ना हो, अगर ये टेंटोरियम सेरेब्राई ना हो, तो जो मिड ब्रेन है, मिड ब्रेन क्या करता है, मिड ब्रेन पे एक तरीके से इसका फोर्स लगता है, इसका वेट लगता है। तो उस वेट से हटाने के लिए या इसको सेपरेट करने के लिए यहाँ क्या होते हैं, टेंटोरियम सेरेब्राई होते हैं। तो टेंटोरियम सेरेब्राई किसके बीच में होते हैं,
सेरिब्रल हेमिस्फीयर और मिड ब्रेन, और मैं कह सकता हूँ लोअर पार्ट ऑफ द मिड ब्रेन। तो हम देखते हैं डायग्राम के थ्रू कि आखिर ये क्या होते हैं। तो ये तो हो गया मेरा क्रैनियल कैविटी, ये हो गई सेला टर्सका वेयर द पिट्यूटरी ग्लैंड इज सिचुएटेड, फ्रॉम सेला टर्सिका। सेला टर्सिका से क्या होता है, एक नोच का फॉर्मेशन होता है। सेला टर्सिका से पहले क्या होता है, एक नोच का फॉर्मेशन, और इस नोच के फॉर्मेशन से फिर क्या होते हैं, ब्रिज का फॉर्मेशन होता है। ब्रिज का इस तरीके से, सेला टर्सिका से ब्रिज का फॉर्मेशन होता है, और इस ब्रिज के फॉर्मेशन से बिल्कुल ये क्या करती है, एक लेयर का फॉर्मेशन कर देती है। यहां पर क्या होता है, इस पोर्शन से यहां से क्या होता है, पहले तो एक क्या होता है, एक नोच का फॉर्मेशन होता है, और जब नोच का फॉर्मेशन हो जाता है तो यहां से क्या होती है, एक ब्रिजिंग लाइक कंडीशन बनती है, और इस पूरे एरिया पर क्या होती है, इस पूरे एरिया पर क्या होती है, जो मेनिंजेस होती है सेपरेट हो जाती है या स्प्रेड हो जाती है इस पूरे एरिया पर। ये जो जितना ये जो एरिया है ना, ये एरिया यहाँ पर क्या होती है, स्प्रेड हो जाती है, और यहाँ पर क्या है, लेयर का फॉर्मेशन करती है, फोल्ड का फॉर्मेशन करती है। इसी फोल्ड को बोलता हूँ मैं टेंटोरियम सेरेब्राई। अब इसको अगर मैं दूसरे डायग्राम से देखना चाहूँ, दूसरे डायग्राम से कुछ इसी पार्ट को बोलता हूँ, इसी फोल्ड को बोलता हूँ टेंटोरियम सेरेब्राई। तो दूसरे पार्ट से देख लेते हैं, ये क्या हो गया मेरे पास हेड का पोर्शन, ये क्या हो गया फोरामेन मैग्नम, वेयर फ्रॉम वेयर स्पाइनल कॉर्ड इज अराइज टू द ब्रेन, फोरामेन मैग्नम होता क्या है, और इसी से क्या बनती है स्पाइनल कॉर्ड। तो कुछ इस पोर्शन पे ये क्या हो गई सेला टर्सिका, और सेला टर्सिका से यहां पर क्या होगा पिट्यूटरी ग्लैंड। होता क्या है कि सेला टर्सिका के आसपास से यहां से क्या बनती है नोच का फॉर्मेशन होता है, और ये नोच क्या जाती है पीछे जाती है कुछ इस तरीके से, बैकवर्ड पोर्शन पर ये जो होता है ये पूरा पोर्शन ये मेरा कहलाता है टेंटोरियम सेरेब्राई। तो अगर मैं इस डायग्राम को इस पोर्शन से देखता हूं, तो ये तो हो गई क्या साइनस, ये तो क्या हो गई नोच, और इस नोच के बाद में ये क्या हो गया मेरे पास टेंटोरियम सेरेब्राई। तो और ये जो नोच हो जाती है ये क्या कहलाती है मेरी, ये कहलाती है मेरी टेंटोरियम नोच, ये कहलाती है टेंटोरियल नोच, ये नोच कहलाती है टेंटोरियल नोच, टेंटोरियल नोच, और ये कहलाता है टेंटोरियल सेरेब्राई, टेंटोरियम सेरेबेलाई। इसका मेन फंक्शन क्या है, ये टेंटोरियम सेरेब्राई जो होता है ये सेपरेट करता है सेरेब्रल हेमिस्फीयर को और किससे, लोअर पार्ट ऑफ मिड ब्रेन, क्योंकि यहां पर ही बिल्कुल यहीं से बिल्कुल यहां से स्पाइनल कॉर्ड मिड ब्रेन का फॉर्मेशन होता है, मिड ब्रेन होती है स्पाइनल कॉर्ड होती है, वो सब यहीं से तो अराइज होते हैं। तो ये तो क्या हो गया मेरे पास अपर पोर्शन, ये हो गया मेरे पास मिड ब्रेन, ये अपर पोर्शन, ये अपर पोर्शन मिड ब्रेन, अपर पोर्शन के नीचे ये क्या हो गया मेरे पास पॉन्स, ये क्या हो गया मेरे पास मेड्यूला, और यहां पर क्या हो जाएगा मेरे पास सेरेबेलम, ये हो गया सेरेबेलम पॉन्स मेड्यूला, और नीचे क्या हो गया मेरे पास स्पाइनल कॉर्ड। लेकिन ये जो अपर पोर्शन जो होता है ये पोर्शन यहां पर ये होता है मेरे पास मिड ब्रेन, ये होता है मिड ब्रेन। तो
ये क्या करती है, लोअर पोर्शन ऑफ मिड ब्रेन को, मिड ब्रेन का भी कौन सा, लोअर पोर्शन ऑफ मिड ब्रेन को सेपरेट करती है सेरेब्रल हेमिस्फेयर से, सेरेब्रल हेमिस्फेयर से मिड ब्रेन, लोअर पोर्शन ऑफ मिड ब्रेन। और बाकी जो लोअर पोर्शन में कौन कौन सी चीज रह जाएगी मेरे पास, पोन्स, मेडुला, सेरेबेलम, ये सारे सारे पोर्शन क्या रह जाएंगे नीचे, और नीचे क्या रहे, और क्या रह जाएंगे मेरे पास, स्पाइनल कॉर्ड। तो ये तो मेरी बात हुई टेंटोरियम सेरेब्राई की। लेकिन टेंटोरियम सेरेब्राई से बात करने के लिए आप यहां देख लेते हैं कि इसके अटैचमेंट कहाँ कहाँ होते हैं। तो अटैचमेंट ऑफ अटैचमेंट ऑफ टेंटोरियम सेरेब्रम, अब कौन कौन से अटैचमेंट हो सकते हैं, एंटीरियर, पोस्टीरियर, सुपीरियर एंड इंफीरियर, या इसके अलावा भी कुछ हो सकते हैं। अगर मैं इसके सुपीरियर पोर्शन की बात करता हूं, इसके सुपीरियर पोर्शन की, तो सुपीरियर पोर्शन पे तो कोई पोजीशन है नहीं, ये तो क्या थी, एक तरीके से फ्लैट है। तो या तो मेरे पास क्या है एंटीरियर पोजीशन है, या मेरे पास क्या है पोस्टीरियर पोजीशन है। तो जो एंटीरियर जो होता है यहां पर क्या होते हैं, क्लिनॉइड प्रोसेस, यहां पर क्या होते हैं क्लिनॉइड प्रोसेस ऑफ क्रेनियल, तो यहां पर होते हैं क्लिनॉइड प्रोसेस। तो जो एंटीरियर पोजीशन में कहां जुड़ी होती है, क्लिनॉइड प्रोसेस है। और पोस्टीरियर मार्जिन जो होते हैं इसके, वो जो पोस्टीरियर मार्जिन होते हैं ये कहां से होते हैं, ये क्या है मेरे पास ऑसिपिटल एरिया, क्या मेरे पास ऑसिपिटल एरिया, या मैं कह सकता हूं सुपीरियर पेट्रोसल साइनस एंड टू द पोस्टीरियर क्लिनॉइड प्रोसेस। यहां पर क्या होते हैं, ये क्या है मेरे पास ऑसिपिटल बोन, तो ये क्या होती है ऑसिपिटल बोन तक जाती है, क्योंकि ऑसिपिटल ये ड्यूरामेटर है, और इसके पास में इसकी कौन सी होगी पोस्टीरियर लेयर ऑफ ड्यूरामेटर, वो होगी, वहां से जाकर ये अटैच हो जाती है। तो यहां पर कौन कौन सी होगी, एंटीरियर पोर्शन है, ये तो हो गया क्लिनॉइड प्रोसेस है, और ये जो पोस्टीरियर प्रोसेस है ये अटैच होता है लिप्स ऑफ ग्रूव ऑफ ट्रांसवर्स साइनस, क्योंकि ये जो पोर्शन है यहां पर लिप्स ऑफ, ये यहां पर मुझे मिलते हैं ट्रांसवर्स साइनसेस, यहां पर क्या मिलते हैं मुझे ट्रांसवर्स साइनसेस। अभी मैं एक डायग्राम, एक पेज, जो एक पिक्चर है जिसको मैं अभी दिखाऊंगा आपको, उसमें आपको दिखाएगा यहां पर क्या होता है मेरे पास ट्रांसवर्स साइनसेस होते हैं, और जिस ये क्या करते हैं जहां से इस, ये क्या होते हैं ट्रांसवर्स साइनसेस होते हैं जो इसके बीच में रहते हैं, एनक्लोज करते हैं इस स्ट्रक्चर को। तो यहां पर होता है ट्रांसवर्स साइनस, एंटीरियर पोर्शन में हो गया क्लिनॉइड प्रोसेस, यहां पर हो गया ट्रांसवर्स साइनस, ट्रांसवर्स साइनसेस, एंड द पोस्टीरियर पार्ट में कहां पर होता है, पोस्टीरियर पार्ट में ऑसिपिटल बोन से अटैच होता है। तो ये सारे सारे इसकी मार्जिन की बात हुई, अटैचमेंट की बात हुई। तो अटैचमेंट में कौन कौन से हो गए, एंटीरियर पोस्टीरियर, तो एंटीरियर बात करता हूं मैं, एंटीरियर, एंटीरियर कहां से, इसका क्लिनॉइड प्रोसेस से, क्लिनॉइड प्रोसेस, पोस्टीरियर यहां पर होते हैं ट्रांसवर्स साइनसेस, ट्रांसवर्स साइनसेस के क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएंगे लिप्स, ये क्या कहलाएंगे लिप्स। और यहां क्या होता है ग्रुप का फॉर्मेशन होता है, या क्या हो? ग्रुप का फॉर्मेशन होता है, जैसा कि जैसे क्या इस तरीके का, ये क्या होता है जैसे ये होता है ना ग्रुप, ऐसे ग्रुप का एक फॉर्मेशन होता है यहां पर। अब जैसे ये क्या है, इसी को और मैं बात करता हूं, तो ये क्या होगा इसके लिप्स हो गए, लिप्स ऑफ ग्रुप, लिप्स ऑफ ग्रुप ऑफ, और यहां पर कौन से साइनसेस होते हैं सुपीरियर ट्रांसवर्स साइनस, तो यहां कहता हूं लिप्स ऑफ ग्रुप कंटेनिंग ट्रांसवर्स साइनसेस, लिप्स ऑफ ग्रुप कंटेनिंग ट्रांसवर्स साइनस। और इसके साथ साथ सुपीरियर पेट्रोसल साइनसेस होते हैं, और पोस्टीरियर क्लिनॉइड प्रोसेस भी होते हैं। अब पोस्टीरियर कहाँ से अटैच होती है, पोस्टीरियर कहाँ से अटैच होती है, पोस्टीरियर अटैच होती है ऑसिपिटल पार्ट ऑफ क्रेनियम से। तो ये सारी सारी बात हुई मेरी टेंटोरियम सेरेब्रलाई की। अब जो नेक्स्ट हम बात करेंगे वो बता रहे हम फाल्स सेरेब्रलाई की। तो जो फाल्स सेरेब्रलाई जो होता है, फाल्स सेरेब्रलाई की बात करता हूं, तो फाल्स सेरेब्रलाई जो होता है वो भी क्या होता है, ये हो गई मेरे पास क्रेनियम, ये हो गया मेरे पास फोरामेन मैग्नम, क्या हो गया मेरे पास
फ्रंट पार्ट। ये क्या हो गई, सेला टर्सिका। इस पोजीशन पर क्या हो गया मेरे पास, टेंटोरम सेरेब्रे। अब होता क्या है, ये बैक पोर्शन पे तो ये क्या हो गया, या लोअर बैक पोर्शन पे तो टेंटोरियम सेरेब्रा ही होता है, लेकिन अब मैं बात कर रहा हूँ एंटीरियर पोर्शन की। ये पार्ट हो गया मेरे पास एंटीरियर। एंटीरियर पोर्शन से कुछ फोर्स जाते हैं जो कहाँ जाते हैं, पीछे की तरफ। एंटीरियर पोर्शन से फोर्स जाते हैं पीछे की तरफ, और ये जो फोर्स जाते हैं वो इस ग्रुप के थ्रू जाते हैं, इस ग्रुप के थ्रू जाते हैं। ये जो स्पेस है, दो सेरेब्रल हेमिस्फीयर का स्पेस है, इस स्पेस के थ्रू जाते हैं। और ये अटैच कहाँ से होते हैं, ये एंटीरियर तो अटैच होते हैं, ये जो क्रिस्टा गैलाई से अटैच होते हैं एंटीरियर, और जो पोस्टीरियर जो अटैच होते हैं, पोस्टीरियर जो टेंटोरियम सेरेब्राई था, यहाँ पर क्या है, टेंटोरियम सेरेब्राई से बिल्कुल मिडल पोर्शन ऑफ टेंटोरियम सेरेब्राई से इसी तरीके से अटैच होते हैं जैसे ये अटैच है। मिडल पोर्शन ऑफ टेंटोरियम सेरेब्राई से इसी तरीके से अटैच होते हैं जैसा कि यहाँ पर डायग्राम में आपको दिख रहा है। अगर मैं यहाँ पर टेंटोरियम सेरेब्राई एज्यूम करता हूँ, तो ये जो पोर्शन है, ये जो पोर्शन टेंटोरियम सेरेब्राई से जो अटैच है, बिल्कुल इसी तरीके से क्या होते हैं, फाल सेरेब्राई अटैच होते हैं। फाल सेरेब्राई कहाँ जाते हैं, ये जाते हैं क्रिस्टा गैलाई। यहां पर क्या होता है, एक पोजीशन क्रिस्टा गैलाई, और क्रिस्टा गैलाई से ये कुछ इस तरीके से जाते हैं, क्रिस्टा गैलाई से कुछ इस तरीके से, इसको मैं बोलता हूं मैं फाल्स सेरेब्राई, इसको बोलता हूं फाल्स सेरेब्राई। अब ये क्या क्या चीज एनक्लोज करता है, यहां पर क्या क्या मिलती, तो ये जो अपर पोर्शन है यहां पर मुझे मिलते हैं सुपीरियर सजेटल साइनस। तो इसके अंदर क्या क्या मिलता है मुझे, सुपीरियर सजेटल साइनस, और ये जो लोअर पोर्शन है यहां पर मुझे मिलता है इन्फीरियर सजेटल साइनस। अगर मैं इसके अटैचमेंट की बात करता हूं, ये बात करी मैंने फाल्स सेरेब्राई की, फाल्स सेरेब्राई। अगर मैं इसके अटैचमेंट की बात करता हूं, तो अटैचमेंट इसके कहां कहां से होंगे, एंटीरियर अटैचमेंट कहां से होगा इसका, क्रिस्टा गैलाई से। ये पोर्शन क्या कहलाता है मेरा, क्रिस्टा गैलाई। ये पोर्शन क्रिस्टा गैलाई हो गया। लोअर पोर्शन ये कौन सा था, मिडल पार्ट ऑफ अपर सरफेस ऑफ, ये मैं कह सकता हूं अपर सरफेस ऑफ सेरेब्रम सेरेब्राई टेंटोरम सेरेब्राई। लेकिन जो इसका अपर पोर्शन होता है ये कैसे होता है, सुपीरियर सेजेटल साइनस से। यहां क्या होता है, मिडिल मिलते हैं सुपीरियर सेजेटल साइनस, और लोअर पोर्शन होता है वो कहां, वो किससे अटैच होता है, वो होता है इन्फीरियर सेजेटल साइनस से। एंटीरियर जो होता है वो होता है क्रिस्टा गैलाई से, और पोस्टीरियर जो होता है किससे होता है, पोस्टीरियर सरफेस ऑफ, जो अपर सरफेस ऑफ सेरेब्रम टेंटोरम। तो इसके अटैचमेंट की बात करता हूं मैं, सुपीरियर इंफीरियर एंटीरियर एंड पोस्टीरियर। तो सुपीरियर मुझे किससे अटैच होगा, ये जो सुपीरियर अटैच होता है साइड ऑफ ग्रुप ऑफ सुपीरियर सेजेटल साइनस, साइड ऑफ ग्रुप ऑफ सुपीरियर सेजेटल साइनस, SSS, साइड ऑफ ग्रुप ऑफ सुपीरियर सेजेटल साइनस। और जो इन्फीरियर होता है क्या होता है, साइड ऑफ ग्रुप ऑफ इन्फीरियर सेजेटल साइनस। और एंटीरियर पोर्शन किससे अटैच होता है, यह होता है क्रिस्टा गैलाई से, यह क्या होता है क्रिस्टा गैलाई से। और जो पोस्टीरियर पार्ट होता है वो किससे अटैच होता है, ये होता है अपर सरफेस ऑफ सेरेब्रम टेंटोरम, इसीलिए मैंने इसको सेरेब्रल टेंटोरम को पहले बताया, ये सेरेब्रल टेंटोरम अपर सरफेस ऑफ, अपर सरफेस ऑफ टेंटोरम सेरेब्राई, टेंटोरम सेरेब्रलाई, सॉरी टेंटोरम सेरेब्रलाई। ये सारी सारी बात हुई मेरी किसकी, फाल्स सेरेब्राई की। अब इसके बाद जो मेरा थर्ड आता है वो आता है डायफ्रेग्मा सेलाई। तो डायफ्रेग्मा सेलाई ये आता है मेरे पास डायफ्रेग्मा
सहलाई, डायफ्रैग्मा सहलाई। तो डायफ्रैग्मा सहलाई ये जो पोर्शन होता है ये कहाँ होता है, ये हो गया मेरे पास ये मेरे पास हो गया क्रेनियल। ये जो पोर्शन होता है ये यहां पर क्या होता है मेरे पास सैला टर्सिका, यहां क्या होती है सैला टर्सिका। सैला टर्सिका से मेरे पास कौन सी ग्लैंड होती है, यहां पर ये होती है मेरे पास पिट्यूटरी ग्लैंड। इस पिट्यूटरी ग्लैंड के चारों तरफ, इस पिट्यूटरी ग्लैंड के जो स्टाक होता है ये तो होगी मेरे पास पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड ये क्या हो गया मेरे पास हाइपोथैलेमस, और ये क्या हो गया मेरे पास, ये हो गया मेरे पास थैलेमस हाइपोथैलेमस, ये क्या हो गया मेरे पास पिट्यूटरी ग्लैंड। और इस पिट्यूटरी ग्लैंड से होता क्या है, इस पिट्यूटरी ग्लैंड के चारों तरफ अगर मैं इस पेन को मैं क्या मान लूं पिट्यूटरी ग्लैंड मान लूं, तो इस पिट्यूटरी इस पेन के चारों तरफ कुछ सर्कुलर एरिया में, इस तरीके से सर्कुलर एरिया में क्या बनते हैं, एक फोल्ड का फॉर्मेशन होता है। जैसे यहां पर एक क्या होगा मेरे पास फोल्ड का फॉर्मेशन, इस तरीके से फोल्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा, और ये क्या होता है इस तरीके से फोल्ड का फॉर्मेशन होता है ये इस पिट्यूटरी के चारों तरफ यहां पर ये क्या होती है, ये मेरा कहलाता है डायफ्रेग्मा सेलाई। और डायफ्रेग्मा सेलाई इसके जो अटैचमेंट होते हैं, तो जो एंटीरियर जो अटैचमेंट होता है वो होता है टूबरकुलम सेलाई से, और पोस्टीरियर अटैचमेंट होता है वो होता है डॉर्सल सेलाई से। तो ये जो होते हैं, ये जो हम इसको अभी हम डिफाइन नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि हमने अभी इसको नहीं दिखाया है, तो अभी हम सिर्फ यही देख सकते हैं कि डायफ्रेग्मा सेलाई जो होता है, डायफ्रेग्मा सेलाई इसका जो इसका पोजिशन कहां पर होती है और किस 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 स्ट्रक्चर के चारों तरफ इसका फोल्डिंग्स होती हैं। तो ये तो बात हुई मेरी डायफ्रेग्मा सेलाई की। और यहां पर एक साइनस पाया जाता है, इसको बोलते हैं इंटर कैवर्नस साइनस। यहां पर क्या पाया जाता है एंटीरियर और पोस्टीरियर इंटर कैवर्नस साइनस पाए जाते हैं। जैसे कि साइनसेस यहां पाए जाते थे सुपीरियर सेरेटल साइनस, यहां पाया जाता है इन्फीरियर सेरेटल साइनस, जो मेरे पास लास्ट था सेरेब्रल टेंटोरम सेरेब्राई, यहां पर मेरे पास पाए जाते हैं ट्रांसवर्स साइनस, यहां पर कौन से पाए जाते हैं साइनस ट्रांसवर्स साइनस पाए जाते हैं, और सेम साइनस यहां पर ही पाए जाते हैं, यहां इन साइनस को बोलता हूं एंटीरियर पोस्टीरियर इंटर कैवर्नस साइनस, एंटीरियर पोस्टीरियर इंटर कैवर्नस साइनस। तो ये बात हुई मेरी डायफ्रेग्मा सेलाई की। फाल्स सेरेब्राई जो होता है ये स्मॉल सिकल सेप्ट का होता है और पार्शियली फोल्ड होता है, सेपरेट करता है टू सेरेब्रल हेमिस्फीयर को, लेकिन इसकी जो अटैचमेंट होते हैं वो थोड़े डिफरेंट होते हैं। तो अटैचमेंट के बेस पर अगर मैं इसको देखता हूं, तो इसके जो अटैचमेंट होते हैं, इसका जो बेस जो होता है वो अटैच होता है इन्फीरियर सर्फेस ऑफ द टेंटोरियम सेरेब्राई। इसका जो बेस जो होता है ना वो, ये तो हो गया सुपीरियर सर्फेस, इसका भी इन्फीरियर सर्फेस जो होता है वहां इसका बेस अटैच होता है। तो एक बेस तो हो गया इसका अटैच इन्फीरियर सर्फेस पे, और इसका अपेक्स जो होता है वो पहुंचता है कहां पर, इसका जो अपेक्स होता है वो जाता है फोरामेन मैग्नम तक। तो ये एक स्मॉल होता है, इस पर अगर इसका तो मेन साइज या शेप देख लेते हैं, इसका जो शेप होता है वो होता है सिकल शेप, सिकल शेप। और इसके अटैचमेंट अगर हम देखते हैं, अटैचमेंट बेस जो अटैच होता है इसका वो अटैच होता है पोस्टीरियर पार्ट ऑफ इन्फीरियर सरफेस ऑफ टेंटोरियम सेरेब्राई, पोस्टीरियर पार्ट ऑफ इन्फीरियर सरफेस ऑफ टेंटोरियम सेरेबेलाई। ये तो हो गई बेस की बात।
और जो दूसरा पार्ट कौन सा रह गया फिर इसके पास? अपेक्स, क्योंकि जब मैंने बेस की बात कर ली तो क्या रह जाएगा जनरली? अपेक्स। तो जो अपेक्स इसका जो पोर्शन होता है वो किससे अटैच होता है? वो अटैच होता है, वो पहुंचता है कहां तक? टिल फोरमेन मैग्नम। ये होता है टिल फोरमेन मैग्नम। तो ये सारी सारी बात हुई किसकी? फोल्डिंग ऑफ ड्यूरामेटर की। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल द डॉक्टर्स लेक्चर को। थैंक यू।